क्या आप जानते हैं 1750 में 3 स्पेनिश खजाना जहाज समुद्र में से अचानक गायब हो गए थे। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के स्पेशल में, जहां आज हम बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल की। बरमूडा ट्रायंगल, जैसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक महासागर क्षेत्र का एक त्रिकोणीय क्षेत्र है। दुनिया के इस छोटे से क्षेत्र में 50 से ज्यादा जहाज और 20 से ज्यादा विमान ऐसे गायब हुए हैं कि उनका नामो निशान तक नहीं बचा। पिछले 200 साल में आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार इस क्षेत्र में 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये इलाका फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा से घिरा है। बरमूडा ट्रायंगल का क्षेत्रफल 29,00,000 वर्ग किलोमीटर है। 1750 में स्पेनिश जहाज और 1977 में 20,000 मालवाहक जहाज अमता जगह से ऐसे गायब हुए कि आज तक ना तो जहाज का मलबा मिला और ना ही किसी जीवित बच्चे का कोई नामो निशान। 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका के एवेंजर टॉर्पीडो बम वर्षक विमान का भी यही हश्र हुआ। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक कंट्रोल टावर ने जो आखिरी आवाज सुनी थी वो एक इतना अजीब रेडियो संदेश था जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी अजीब तरह से काम करने लगे थे। सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा गया सीप्लेन भी गायब हो गया था। इस उलझी हुई रहस्य को सुलझाने की कोई कोशिश की जा चुकी है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हिंसक तूफान और नीचे की ओर हवा की धाराओं की वजह से विमान और जहाज बरमूडा ट्रायंगल से गायब हो जाते हैं, तो कुछ का मानना है कि इस ट्रायंगल क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र इतना मजबूत है कि रेडियो सिग्नल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हालांकि अभी तक बरमूडा ट्रायंगल रहस्य का कोई भी पुख्ता जवाब नहीं मिला है।